कमलेश पूछ रहे हैं कि ये राज क्या है, कबीर हों कि बुल्ले शाह हों, ये अपने आप को किसी गैर की तरह क्यों संबोधित करते हैं? कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीरा खड़ा बाजार में, ऐसा क्यों नहीं बोलते मैं खड़ा बाजार में? बुल्ले नु समझावण आईया, बुल्ला की जाना मैं कौन? ये क्या है? कबीर अगर कबीर हैं तो फिर तो नीरू और नीमा के हैं, फिर तो बनारस के हैं, फिर तो जुलाहों के हैं, फिर तो बस 14वीं शताब्दी के हैं। समझ रहे हैं ना? कबीर होना झूठ नहीं है, बस आंशिक है। कबीर हो जाने का अर्थ हो गया वो देह हो जाना जिसे कुछ लोगों ने अधिकार पूर्वक नाम दिया था कबीर, और यदि कबीर वो व्यक्ति ही हैं तो वो व्यक्ति तो बड़ा सीमित है, वो व्यक्ति तो मर गया और उस व्यक्ति ने एक सीमित भाषा में कुछ सीमित बातें बोली थी। कबीर से दूरी रख के कबीर अखिल ब्रह्मांड के हो जाते हैं, और कबीर अगर कबीर ही रह आते तो एक छोटे से कुनबे भर के रह जाते। हम चूंकि हम रह आते हैं इसीलिए संसार हमसे बेगाना रहा आता है। आप अगर वही शरीर हैं जिसका जन्म हुआ, आप अगर वही पहचान हैं जो आपको मिली और आपने ओढ़ी, तो फिर तो आपके वो सारे कर्तव्य भी हैं और वो सारी सीमाएं भी हैं जो नामों पहचानों और देह के साथ आती हैं। अब भूल जाइए वसुधैव कुटुंबकम, अब भूल जाइए अमरता और अनंतता। कबीर तो एक दिन जन्मा था और मरेगा, पर कबीर ना जन्मते हैं ना मरते हैं। समझ रहे हो? कबीर अपने आप को मैं की अपेक्षा कबीर कहकर उससे दूर कर लेते हैं जो मरेगा, जो सीमित है, और फिर वो शान से फरमाते हैं मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए। मैं कबीरा ऐसा मरा, वो मर गया जो कहता मैं कबीर मैं कबीर। अब कौन बचा? या तो सिर्फ मैं या तो सिर्फ कबीर। ये जुड़ना नहीं बचा, ये द्वैत नहीं बचा, वो अतृप्त अहंकार नहीं बचा जिसे नाम का सहारा चाहिए, और वो नाम नहीं बचा जो अहंकार की बैसाखी के साथ खड़ा होता है। अब कबीर बोले मैं तो पूरा, और अब कबीर बोले कबीर तो पूरा।
वो पहचान खत्म हो गई जो संसार पर आश्रित थी। अब उनकी पहचान अपने आप में पूरी है। शास्त्रीय रूप से इसी को मुक्ति भी कहते हैं, त्याग भी कहते हैं और साक्षित्व भी कहते हैं। कि ऐसे हैं कबीर जो कबीर के ही दृष्टा हैं, कबीर के ही साक्षी हैं। कबीर बैठे कबीर को देखते हैं और कहते हैं, वो देखो कबीरा खड़ा बाजार में। कबीर साक्षी हैं कबीर के। कबीर आत्मा साक्षी है कबीर की गति की, कबीर की देह की, कबीर के कर्म की। देह सीमित है, कर्म सीमित है, दिख रहा है सब सीमित है, पर कोई अफसोस नहीं क्योंकि देखने वाला असीमित है। देखने वाले का सीमाओं से कोई लेना देना नहीं। देखने वाला सीमाओं को देखता है, न घटता है न बढ़ता है। देखने वाला सीमाओं को देखता है, कोई चिंता नहीं होती उसको। इसीलिए फिर जब वो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, तो आगे ये भी कह पाते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। दोस्त उन्हें बचा नहीं पाएंगे और बैरी उन्हें मिटा नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? देह ही हो तुम पूरे के पूरे, एक झोला हो मांस का, रक्त का, रस का, हड्डी का, तमाम तरह की ग्रंथियों और वृत्तियों का, पर यह बड़ा अद्भुत झोला है। यह ऐसा झोला है जिसमें शक्ति है अपने आप को झोला जानने की। अब या तो जीवन भर झोले रहे आओ, या जान लो कि तुम झोले हो। और झोले से बाहर कूद जाओ। एक दाल सब्जी तरकारी दूध पानी से भरा झोला रखा हो और एक आदमी बैठा हो, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आदमी भी तो यही है, रक्त मल मवाद दूध पानी दाल सब्जी रोटी, यही उसमें भरे हुए हैं। और अगर वो मांसाहारी आदमी है तो उदाहरण को और सटीक बनाने के लिए उस झोले में एक चूजा डाल दो। झोला तथ्य है, और झोले की बात यह कि झोला जग भी जाए
तो भी वो रहेगा झोला ही, बस अब वो जान जाएगा कि झोला है। ये अजीब बात, अब बताओ कुछ बदला कि नहीं बदला? झोले का बदलना ये नहीं होता कि पहले झोला था फिर झूला हो गया। झोले का बदलना यह होता है कि पहले ऐसा झोला था जो किसी अंधेरी गहरी नींद बेहोशी में था, जिसे कुछ नहीं पता मैं कौन मेरे भीतर क्या, और अब झोला खुलेआम कह रहा है कि झोला ही है ये। भक झोले, झोले में किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, सब आई चीजें बाहर से, भीतर जाके उनमें कुछ क्रियाएं भी हो गई, कुछ का कुछ बन गया, पर जो भी बना वो आया बाहर से ही। क्या बाहर से नहीं आया? झोला है ये जानने वाला। अब जो ये जान रहा है वो क्या है भी? क्योंकि अगर वो होता तो झोले के भीतर होता, पर वो तो झोले के बाहर है और बाहर से देख के बता रहा है कि देखो झोला है। जो कुछ हो सकता है वो सब जिसकी हस्ती है, वो सब तो कहां है? झोले के भीतर। प्यासा झोला, निदासा झोला, तो फिर कहते हैं बुल्ले नू समझावण आई है। इसीलिए तो कटाक्ष है कि तुम किसको समझाने आई हो, तुम्हें पता भी है बुल्ला कौन है? ये जो हाड़ मास का बुत है इसको तुम बुल्ला जान के समझा रही हो? अरे ये तो बुल्ला की दृष्टि का विषय है, तुम जिससे बुल्ला समझकर बात कर रही हो, बुल्ला उससे दूर खड़ा उसे देख रहा है, उसे भी देख रहा है तुम्हें भी देख रहा है। जैसे कोई तुम्हें समझाने आए और तुम्हारे पजामे को समझा जाए और तुम दूर खड़े देख रहे हो कि ये क्या माजरा है, किसको देख रहे हो? दोनों को, समझाने वाले को भी और पजामे को भी। तो बुल्ला दूर खड़ा बुल्ले नू समझावण आई है, अब भाई भौजाई दोनों ने पजामे की एक एक टांग पकड़ ली और खींच रही हैं कि चल रे घर चल। घर हो जाएगा कैसे? बुल्ला तो जहां का था वहां बस गया, अब खींचते रहो पजामा, तुम ले जाओ पजामे को। ये भी हो सकता है, ये तो बहने थी, भौजाइयां थी, बहुत इनके बाहुबल नहीं था, कोई राजा महाराजा आता तो हो सकता था कि बुल्ले को उठा करके ले ही जाता। जब वो बुल्ले को उठा करके ले जाता तो बुल्ले शाह हंस रहे होते, कहते पजामा ले गए। बुल्ले को कौन ले जा सकता है, वो तो आजाद है, ये पजामा लिए जा रहे हैं और सोचते हैं मैं गिरफ्तार हो गया। तभी तो
मंसूर हो कि सरमद हो, उन्हें शिकन नहीं आती। तो कहते हैं पजामा जला दिया, कोई बात नहीं। अभी ऋषिकेश से आ रहे थे, इनके हाथ में समोसा था, तो एक सांड ने पछिया लिया। समोसा उसको दे के भगी। ले ले भाई तुझे जो चाहिए, तू हमें थोड़े ही पालेगा, हमारी देह पा सकता है, हमारी वस्तुएं पा सकता है, वो सब कुछ जो पदार्थ है तो उसे पा सकता है, पा भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है, गर्दन काट सकता है हमारी, हमें नहीं काट सकता। क्या रे भाभी, किसको समझा रही हो? और समझा लो उसको, क्या बताओ, मान भी जाए। महावीर संन्यास्त होना चाहते थे, तो बार 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 घर वालों से कहें कि जाने दो जाने दो। घर वाले बात को टाले, कोई कहे अभी हम जिंदा हैं, जब हम मर जाएं तो तुम जंगल जाना, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। बड़े दिन बीत गए। एक दिन घर वाले उनके पास आए, बोले तुम जाओ क्योंकि तुम जा ही चुके हो, हमने तुम्हारी देह भर रोक रखी है, तुम तो जा चुके हो, तो तुम चले ही जाओ। अब ऐसा ही था, वो महावीर को रोक रहे थे, महावीर तो जा चुके थे, वो जिस महावीर को देख सकते थे, जिस महावीर का हाथ थाम सकते थे, जिस महावीर को कैद कर सकते थे, उसको रोके हुए थे। और एक महावीर ऐसा भी होता है कि मैं बेकैद, उसको कैसे रोकोगे, उसको कैसे कैद करोगे, तो उड़ गया। पिंजड़े में पक्षी कैद हो सकता है, प्राण तो नहीं ना। कैसा होता है, पिंजड़े में पक्षी है तो उसके प्राण पखेरु भी नहीं उड़ेंगे, पखेरु बचा रह जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तुम्हारी कैद तो बड़ी मजबूर है, कुछ कैद भी नहीं कर पाते तुम। आदमी की ऐसी मजबूरी, आजादी तो वो जानता ही नहीं, कैद भी नहीं कर पाता। कोई कहे कि साहब आप आजादी नहीं दे पाते, तो मतलब आप कैद तो कर लेते होंगे, कैद भी नहीं कर पाते। फकीरों का तो ऐसे ही रहा है, फकीर बैठे हैं, लोग आए हैं उन्हें पकड़ने, फकीरों ने कहा दे ताली और भाग। तो इस पल ये नजारा है कि फकीर भाग रहे हैं और पीछे पीछे उनकी भीड़ है कि इनको पकड़ ही लें, ये बहुत दुष्ट है, नंगे घूमते हैं, आधी रात गाते हैं, न जाने क्या बवाल मचाते हैं, और गांव के सब जवान लड़कों को ही भ्रष्ट किए दे रहे हैं। ये इस पल का नजारा। फकीर कुछ देर भागे जैसे बच्चे का खेल, फिर एक दूसरे से निगाह मिलाई,
बोले खेल पलट देते हैं। उसके बाद नजारा ये है कि भीड़ भाग रही है और फकीर पीछे पीछे और चिल्ला रहे हैं, अरे कोई तो पकड़ो हमें, हम तैयार हैं, ले चलो। अब कोई पकड़ने को राजी नहीं है और वो सब चिल्ला रहे हैं कि है कोई जो हमें पकड़े।